आप सभी जानते हैं नीट 2020 में बहुत कम समय बचा है और इतने कम समय में आप अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप नीट मोस्ट वांटेड की लेक्चर सीरीज परचेज कर सकते हैं। इनकी लेक्चर सीरीज काफ़ी अच्छी है। यहाँ आप अपना पूरा कोर्स केवल 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ साथ में आपको चैप्टर वाइज एंड फुल सिलेबस टेस्ट भी कराए जाएंगे। इसे परचेज करने के लिए आपको प्रीप ऑनलाइन का ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर साइन अप करना होगा। इसके बाद आपको नीचे रिविजन पर क्लिक करना है, देन परचेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेस्ट सीरीज को ऐड करना है और एक कूपन कोड अप्लाई करना है MW Revision, जिससे आपको ये पूरा कोर्स केवल 1500 रुपये में मिल जाएगा। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एग्जाइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, यानी कि इनमें से किस में एग्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, पी, आर्जिमोन, डायंथस या फिर लेमन। तो देखिए, लेमन, चाइना रोज एंड टमाटो, इन तीनों में एग्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, जबकि आपको याद रखना है फालतू डीपी, यानी कि फालतू मीन्स फ्री सेंट्रल, डी फॉर डायंथस एंड पी फॉर प्रिमरोज, यानी कि डायंथस एंड प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, यानी कि जड़ें पानी के एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हेल्प नहीं करती, किसमें, पी, वीट, सनफ्लावर या फिर पिस्तिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, पिस्तिया, क्योंकि यह एक एक्वेटिक प्लांट है और एक्वेटिक प्लांट्स की जड़ें कम डेवलप या कम विकसित होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक फ्लावर फॉर्मूला दिया है और पूछा है ये किसका है, पेटूनिया, ब्रेसिका, एलियम या फिर सेस्पानिया। तो देखिए, ये दिया हुआ फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी फैमिली का है और इसका एग्जाम्पल है पेटूनिया। तो आपको याद रखना है तुम्हारी पेटू, बैल का आशीर्वाद, तुम्हारी पेटू बैल का आशीर्वाद सोलिड है। तो यहाँ पे तुम्हारी से है टोबैको, पेटू से पेटूनिया, बैल से बेलाडोना, आशीर्वाद से अश्वगंधा एंड सोलिड से सोलेनेसी, यानी कि ये सभी एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली के हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है सोलेनेसी फैमिली का और इसका एग्जाम्पल है पेटूनिया। इसके अलावा एलियम लीलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रेसिका क्रूसी फेरी फैमिली से बिलोंग करता है एंड ससबानिया लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, इनमें से किस में पेरीगाइनस फ्लावर्स पाए जाते हैं, चाइना रोज, रोज, गुआवा या फिर कुकुम्बर। तो देखिए, ऐसे फ्लावर्स में हाफ इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है और इसके एग्जाम्पल्स हैं पी पी आर, पी फॉर प्लम, सेकेंड पी फॉर पीच एंड आर फॉर रोज। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं पेरीगाइनस फ्लावर्स के। तो हमारा आंसर होगा बी, रोज। कील इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ, कील किसके फ्लावर का करैक्टरिस्टिक फीचर है, एलोए, टमाटो, ट्यूलिप या फिर इंडिगो फेरा। तो हमारा सही आंसर होगा डी, इंडिगो फेरा, जो कि पेपी लियो नेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इनमें कील पा जाती है, यही इसका करैक्टरिस्टिक फीचर है। लीव बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन, यानी कि इनमें से किस में उनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, अनियन, सिल्क कॉटन, ओपुंचिया या फिर पी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, ओपुंचिया, क्योंकि ट्रांसपायरेशन द्वारा होने वाले वाटर लॉस को रोकने के लिए ओपुंचिया की पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, यानी कि इनमें से किस में प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों ही खाए जाते हैं, एप्पल, बनाना, टमाटो या फिर पोटैटो। तो अब इसका सही आंसर होगा सी, टमाटो, टमाटो में प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प दोनों ही खाए जाते हैं एंड टमाटो एक बेरी फ्रूट है। व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टमेस, यानी कि जब सेपल्स और पेटल्स के मार्जिन्स
एक दूसरे के ऊपर बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? वैक्सिलरी, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड या फिर वॉल्वेट? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, इम्ब्रिकेट। इस टाइप के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं केसिया एंड गुलमोहर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। तो इसका पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ग्रासेस में एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। मैंगो इज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये गलत है क्योंकि मैंगो एक सीडेड फ्रूट है, इसमें सीड पाया जाता है। इसके बाद है अ प्रोटीनेसियस एलिरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, ये सही है। अस्ट्राइल पिस्टिल इज कॉल्ड अ स्टेमिनोड, ये भी गलत है क्योंकि इसे पिस्टी लोड कहते हैं। तो यहाँ पे इसका केवल सी ऑप्शन सही है। इसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, यानी कि इनमें से खाने योग्य अंडरग्राउंड स्टेम है कैरेट, ग्राउंड नट, स्वीट पोटैटो या फिर पोटैटो। तो सही आंसर होगा डी, पोटैटो। पोटैटो एक एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम है जबकि कैरेट एंड स्वीट पोटैटो ये दोनों ही अंडरग्राउंड रूट हैं एंड ग्राउंड नट एक अंडरग्राउंड सीड है। इसके बाद अमंग बिटर गार्ड मस्टर्ड ब्रिंजल पम्पकिन चाइना रोज ल्यूपिन कुकुम्बर सन हैम्प ग्राम ग्वावा बीन चिली प्लूम पेटूनिया टोमेटो रोज विधानिया पोटैटो अनियन एलोए ट्यूलिप, हाउ मैनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर्स, यानी कि इनमें से कितने फ्लावर्स हाइपोगाइनस फ्लावर्स हैं? तो देखिए यहाँ पर बिटर गार्ड कुकुम्बर एंड ग्वावा इन तीनों में एपिगाइमस फ्लावर पाया जाता है जबकि प्लूम एंड रोज इन दोनों में पेरीगाइनस फ्लावर्स पाया जाता है और बाकी सभी में हाइपोगाइनस फ्लावर्स पाए जाते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ए 15। इसके बाद इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज में फ्लावर्स होते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था सी डी एम ए, सी फोर चाइना रोज, डी फोर धतूरा, एम फोर मस्टर्ड एंड ए फोर एक्टिनोमार्फिक, यानी कि चाइना रोज धतूरा एंड मस्टर्ड इन तीनों में एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, एक्टिनोमार्फिक हाइपोगाइनस विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, यानी कि चाइना रोज में एक्टिनोमार्फिक हाइपोगाइनस एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। अमंग फ्लावर्स ऑफ कैलोट्रॉपिक्स ट्यूलिप ससबानिया एस्पेरागस कोल्चिकम स्वीट पी पेटोनिया इंडिगोफेरा मस्टर्ड सोयाबीन टबैको एंड ग्राउंडनट, हाउ मेनी प्लांट्स हैव कोरोला विद वॉल्वेट एस्टिवेशन, यानी कि इनमें से कितने प्लांट्स में वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर कैलोट्रॉपिक्स ट्यूलिप एस्पेरागस पेटोनिया मस्टर्ड एंड टबैको इन सभी में वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा बी 7, इनमें से 7 ऐसे प्लांट हैं जिनमें की वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इनफ्लोरोसेंस इन रेसिमोस इज, इनमें से किस में रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है, ब्रिंजल ट्यूलिप एलोए या फिर सोयाबीन? तो देखिए इनफ्लोरोसेंस दो टाइप के होते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। तो आपको याद रखना है रेसिमोस फॉर रेस, यानी कि इसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है, किसी प्लांट की लगातार ग्रोथ होती रहती है क्योंकि इसके टिप पर कोई भी फ्लावर या बर्ड का ओरिजिन नहीं होता है। जबकि साइमोस में उसकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि इसकी टिप पर किसी बर्ड का डेवलपमेंट हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा डी सोयाबीन, सोयाबीन में रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है। इन अ साइमोस इनफ्लोरोसेंस द मेन एक्सेस, साइमोस इनफ्लोरोसेंस में मेन एक्सेस, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी टर्मिनेट इन अ फ्लावर। तो हमने आपको बताया था साइमोस इनफ्लोरोसेंस में प्लांट की ग्रोथ
रुक जाती है क्योंकि उसकी टिप पर किसी फ्लावर या फिर बर्ड का ओरिजन या डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है डी, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। हाउ मैनी प्लांट्स अमंग चाइना रोज, ओसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, अल्टसोनिया, ग्वावा, कैलोट्रॉपिक्स एंड नेरियम हैव अपोजिट फाइलोटॉक्सी, 3, 4, 5 या 2? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू वेरी मच।